हेलो फ्रेंड, हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड केबल के बारे में। तो देखिए, अंडरग्राउंड केबल इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल से जनरली आप देखोगे किसी भी जेई की एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा। तो अगर अंडरग्राउंड केबल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लें, और जो भी प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम देख लें, तो अंडरग्राउंड केबल का जो टॉपिक है वह क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो आने वाले एग्ज़ाम में आप इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अंडरग्राउंड केबल, तो अंडरग्राउंड केबल को यूज करने का पर्पज़ क्या है। ओवरहेड लाइन यूज की जा रही थी, तो ओवरहेड लाइन को हटा रहे हैं, अब धीरे धीरे अब ला रहे हैं हम अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल लाने से हमें एडवांटेज होने चाहिए। तो एडवांटेज ये है कि जैसे हमारे पास ओवरहेड लाइन थी, तो ओवरहेड लाइन में क्या था कि अब आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के कारण जगह कम होती जा रही है, तो जगह कम होने के कारण जब हम वायर का मतलब ट्रांसमिशन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जब भी पावर का, तो हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वायर हमारा खुले में है तो सबके मकान बने हैं, कुछ भी मतलब बने हैं, तो वहाँ पे उनको खतरा है, ठीक है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे हम तो ओवरहेड लाइन यूज ही नहीं कर सकते, तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा, जहाँ घनी आबादी, वहाँ पे हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल। जनरली वहीं पे ज़्यादा भी यूज किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि अंडरग्राउंड केबल ही यूज किया जाएगा, क्योंकि आबादी तो बढ़ ही रही है, ठीक है। तो देखिए, तो अंडरग्राउंड केबल का एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज ये है कि अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट जो होता है ना, वो जल्दी नहीं आता। फॉल्ट जो होगा वह जल्दी नहीं आता है, क्योंकि यह ज़मीन के अंदर रहती है, इसमें फॉल्ट क्या होगा, कम आता है। उसके बाद अगर ओवरहेड लाइन से अगर इसकी तुलना की जाए तो यह ज़्यादा सेफ्टी होती है, यह ज़्यादा मतलब कि फॉल्ट कम आएगा और सेफ भी होगी, क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद एक मस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वह उसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। ओवरहेड लाइन की तुलना में वोल्टेज ड्रॉप अंडरग्राउंड केबल में कम होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको इंस्टॉलेशन करने में जो कॉस्ट होगी, जो खर्चा होगा, वह अधिक होता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने में यानी कि जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे इसको मतलब बनाने के लिए, तो इसका जो खर्चा आएगा वह क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़, इसमें फॉल्ट जैसे हुआ है कहीं पर, तो उसको ढूँढने में मतलब कि दिक्कत होती है, फॉल्ट को सर्च करने में दिक्कत होती है, जिसके कारण यह क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज है। अदरवाइज इसके एडवांटेजेस ही हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इसके टाइप ऑफ अंडरग्राउंड केबल पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल बेसिकली किसके लिए यूज करेंगे हम, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी पावर को जहाँ जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से पावर को उठा के कंज्यूमर के टर्मिनल तक पहुँचाने तक, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल के द्वारा अगर किया जाए तो वह अंडरग्राउंड केबल आपकी होगी, ठीक है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल बाय वोल्टेज, वोल्टेज के द्वारा देखते हैं कि अंडरग्राउंड केबल को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, कितनी पिछली बार आप उठा के देख लीजिएगा, बाकी मैं भी कराऊंगा, देखना इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, एल टी केबल का जो फुल फॉर्म है वह है लो टेंशन केबल विथ ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 1000 वोल्टेज, यानी जो एल टी केबल है वह मैक्सिमम 1000 वोल्टेज की के मतलब 1000 वोल्टेज तक यूज किया जाता है। 1000 वोल्टेज ऑप्शन में ना देकर कभी कभी 1 किलो वोल्ट दे देता है, ठीक है। 1 किलो वोल्ट मान लो, आपको तो इतना पता होगा अगर जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान दो, क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं लोग, ठीक है। ऑप्शन में जैसे 1000 किलो वोल्ट दे देगा, और यहाँ पे जो है ना, ये 1000 वोल्ट है बस, यानी जो आपका एल टी केबल है वह यूज होगा आपका 1000 वोल्ट तक या फिर 1 kV तक, याद रखना। ऑप्शन में कभी कभी गलती से आपने 1000 किलो वोल्ट पढ़ा है तो वहाँ पे 1000 वोल्ट पढ़ा है, अब ध्यान आपको नहीं है तो यहाँ पे 1000 किलो वोल्ट दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, बस तुरंत टिक कर दिया, तो ऑप्शन को ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका एच टी केबल जो है वह हाई टेंशन केबल विथ ए मैक्सिमम 11 kV, यानी जो एच टी केबल है उसको हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं कितने तक, 11 kV वोल्टेज तक, 11 kV यानी 11000 वोल्ट तक हम इसको यूज कर सकते हैं जो एच टी केबल है।
ध्यान से देखिए, सारे ये जो भी हैं सबसे एक एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। उसके बाद है ईएसटी केबल। ईएसटी केबल को कहते हैं सुपर टेंशन केबल विथ ए रेटिंग ऑफ बिटवीन 22 किलो एंड 33 किलो वोल्ट, इसके बीच में इसकी रेटिंग होगी। तो ईएसटी केबल की जो रेटिंग है कितना है, 22 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट के बीच में जो केबल यूज की जाएगी उसको हम बोलेंगे ईएसटी केबल, सुपर टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल। नेक्स्ट आपका है ईएचटी केबल। ईएचटी क्या है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल विथ रेटिंग ऑफ बिटवीन 33 केवी एंड 66 केवी। यानी ईएचटी केबल का जो यूज होगा वह 33 केवी से लेकर 66 केवी तक यूज होता है। ठीक है, तो देखो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है आपका एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। जो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल आपका है वह यूज होता है हमारा अप टू 132 केवी तक। ठीक है, 132 केवी तक। अब देखो इसके ऊपर भी कभी कभी हमें मतलब कि पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो उस केबल को हम बोलते हैं प्रेशर केबल, प्रेशर केबल। ठीक है, प्रेशर केबल, प्रेशराइज्ड केबल। ठीक है, जिसमें गैसेस वगैरह ऑयल वगैरह भरे रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड केबल। उसके द्वारा हम 132 केवी के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे डिवाइड करेंगे किस केबल का क्या नाम दें। ठीक है, तो ये पहला केबल आपका आएगा बेल्टेड केबल। तो बेल्टेड केबल का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वह कितना होगा, 11 केवी होगा। जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा कितना होगा, 11 केवी। उसके बाद सेकंड है आपका स्क्रीनड केबल। स्क्रीनड केबल का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वह कितना होगा, 66 केवी। मतलब कि स्क्रीनड केबल को हम यूज करते हैं मैक्सिमम कितने केवी तक, 66 केवी तक। प्रेशर केबल मैक्सिमम वोल्टेज आप मोर देन 66 केवी। अब देखो प्रेशर केबल हमने बताया ना, प्रेशर केबल को हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हाई वोल्टेज पर यूज करते हैं। तो प्रेशर केबल का जो बेसिकली पर्पज़ है वह क्या होगा, 66 केवी के ऊपर जितने भी मतलब केबल्स आपके हैं वह प्रेशर केबल होंगे और उसके ऊपर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे बेल्टेड केबल मतलब 11 केवी, स्क्रीनड केबल 66 केवी तक, और 66 केवी के ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर केबल होगा। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसके, जैसे ये आपके पास केबल बना हुआ है, ठीक है, ये केबल बना हुआ है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कंडक्टर क्या है, पेपर इंसुलेशन या फिर सीट क्या है, बेडिंग क्या है, आर्मरिंग क्या है, सर्विंग क्या है। तो इन सब से क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहली चीज़ आप एक ध्यान रखिएगा कि इनका मतलब कि जो अरेंजमेंट है वह बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि कंडक्टर पहले अंदर आपका होगा, फिर इंसुलेशन होगा, फिर सीट होगा, फिर बेडिंग होगा, फिर आर्मरिंग होगा, फिर सर्विंग होगा। ठीक है, इनका जो ऑर्डरिंग है वह आप याद रखिएगा कि कैसे कैसे होते हैं ये। अगर आप कभी कभी ऐसे होता है ना, पूछ लेता है कि सीट के ऊपर क्या लगा होता है या सीट के बाद क्या लगाते हैं, तो आपको जब पता रहेगा कि सीट के ऊपर क्या लगाते हैं बेडिंग, तब तो आप दे पाओगे ना। अगर आपको ऑर्डरिंग ही नहीं पता, अरेंजमेंट ही नहीं पता है तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप इसमें क्या है ना, अरेंजमेंट याद रखो कि अरेंजमेंट कैसे है। सबसे पहले अंदर क्या रहता है, कंडक्टर, उसके ऊपर क्या है, इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर क्या है, सीट, सीट के ऊपर क्या है, बेडिंग, बेडिंग के ऊपर क्या है, आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर क्या है, सर्विंग। यानी सबसे बाहरी पार्ट जो है वह क्या है केबल का, सर्विंग होता है। सर्विंग के नीचे क्या है, आर्मरिंग। देखो ऑर्डरिंग आपका उधर से घुमा के पूछ सकता है, इधर से घुमा के पूछ सकता है। तो पहले आप एकदम ऑर्डरिंग याद रखिएगा केबल में कि कौन किसके ऊपर लगा हुआ है, कौन किसके नीचे लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऑर्डरिंग याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए तो केबल के अंदर सबसे मेन पार्ट होता है कंडक्टर। कंडक्टर जो पावर को क्या करता है, कैरी करता है और एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसमिट हो जाती है पावर हमारी, इसी कंडक्टर के थ्रू होती है। तो बेसिकली कंडक्टर बना किस चीज़ का होगा, तो कंडक्टर बना होगा कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का। कंडक्टर या तो कॉपर का बना होगा या फिर एल्युमिनियम का बना होगा। अब थ्री कोर केबल है तो तीन कंडक्टर इसमें शो किए गए हैं। अगर आपका सिंगल कोर केबल होता तो उसमें एक कंडक्टर शो होता। तो ये तो उसके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर के हिसाब से है। ठीक है, कि सिंगल कोर है आपका कि आपका थ्री कोर है, तो ये आपका थ्री कोर है, इसमें तीन कंडक्टर आपको शो कर रहे हैं। और ये कंडक्टर जो होंगे किस चीज़ के बने होंगे, सीयू के या फिर एल्युमिनियम के।
अब देखो इन कंडक्टर को अगर आप डायरेक्ट किसी केबल में से घुसा दो, तीन कंडक्टर को, अगर तीनों कंडक्टर आपस में अटैच होंगे तो वह क्या होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट हो जाएंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट में तो मतलब फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण वह कंडक्टर जल जाएंगे। इन कंडक्टर को जलने से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज करना पड़ेगा कि यह शॉर्ट ना हो। अब इनको शॉर्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको ना अलग अलग से इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यह कंडक्टर के ऊपर क्या प्रोवाइड किया गया है, देखो इंसुलेशन, यानी सब कंडक्टर पे अलग अलग से इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इंसुलेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा उसको किसके हिसाब से रखा जाएगा, यह भी क्वेश्चन आता है। तो जो इंसुलेशन होगा वह वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा, यानी वोल्टेज अगर आपका ज़्यादा है, अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है या ज़्यादा है तो इंसुलेशन का जो लेवल होगा उसे भी हम क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। तो जो इंसुलेशन होगा वह डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर, अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा है तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम है तो जो इंसुलेशन होगा वह क्या होगा, कम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इंसुलेशन बना किस चीज़ का होगा। अभी तो हमें पता चल गया कि हम इंसुलेशन क्यों कर रहे हैं, इंसुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से बचा सकें, बचा लिया हमने। अब ये भी जान गए कि इंसुलेशन जो था वह वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन ज़्यादा रखेंगे, वोल्टेज कम होगा तो इंसुलेशन कम रखेंगे। लेकिन अगर इंसुलेशन बनाए किस चीज़ से, इंसुलेशन जो आपका बना होता है वह आपका पेपर होगा, ठीक है, पेपर इसको बोलते हैं इम्प्रेगनेट पेपर, ठीक है, पेपर होगा। या फिर सेकेंड चीज़ आपका एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इंसुलेशन किस चीज़ का बना होता है, तो पेपर नहीं रहता ऑप्शन में, तो सेकेंड आपका होता है वर्निस कैम्ब्रिक, यह भी याद कर लीजिएगा, इंसुलेशन है एक तरह का, ठीक है। या फिर आप रबर का बना सकते हो, रबर का, ठीक है, तो रबर होगा या फिर वर्निस कैम्ब्रिक होगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है तो पेपर नहीं देता ऑप्शन, जैसे पेपर इंसुलेशन है, मान लो अभी तो यहाँ पे पेपर इंसुलेशन इसलिए शो कर दिया गया कि यह पेपर इंसुलेशन है, लेकिन कभी कभी आपको ये शो नहीं करते, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि इंसुलेशन किस चीज़ का बनाया जाएगा, तो ऑप्शन में पेपर आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे वर्निस कैम्ब्रिक होगा या फिर रबर होगा करके, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, रबर होगा, वर्निस कैम्ब्रिक और पेपर, तो यह तीन चार तरह के इंसुलेशन होते हैं जो हम केबल में यूज करते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका है लेड शीथ। अब शीथ का क्या काम है, शीथ का काम क्या है, अब देखो शीथ का काम बेसिकली क्या है, शीथ को हमने लगाया किसके ऊपर है, शीथ को हमने लगाया है कंडक्टर के ऊपर, जो इंसुलेशन लगा हुआ है उस इंसुलेशन के ऊपर लगाया है। तो इसका मतलब बेसिकली यह क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा इंसुलेशन को, कि इंसुलेशन में किसी भी प्रकार का मतलब कि डैमेज ना हो, इंसुलेशन ख़राब ना हो, इंसुलेशन को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो यह बेसिकली इंसुलेशन जैसे आप पेपर का बनाए हुए हैं, अब वह पेपर कब ख़राब हो सकता है, जब उसमें कोई नमी आ जाए, पानी वानी चला जाए, तो यह पेपर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। इस पेपर को प्रोटेक्ट करेगा कौन, लेड शीथ, और यह लेड शीथ जो प्रोटेक्शन देता हुआ अगेंस्ट मॉइस्चर यानी नमी के खिलाफ यह क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंसुलेशन को, ठीक है। तो बेसिकली यह जैसे गैस हो, ऑयल हो, इन सबसे मतलब क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, इंसुलेशन को, ठीक। अब फिर क्वेश्चन आता है कि यह लेड शीथ बना किस चीज़ को, अब देखो लेड तो हमने लिख ही दिया, जिसका मतलब यह लेड का बना होगा, लेकिन लेड का हमेशा नहीं बनाया जाता, एक और होता है एल्युमिनियम का बनाया जाता है, किसका, एल्युमिनियम का। तो यह जो शीथ होगी हमारी, यह शीथ बेसिकली किस चीज़ की बनी होगी, यह बनी होगी एल्युमिनियम की या फिर लेड की, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है, नेक्स्ट है बेडिंग। अब बेडिंग किस चीज़ का बना होगा और बेडिंग किसके ऊपर लगाया गया है, तो बेडिंग जो है वह लेड शीथ के ऊपर लगा है, यह आप फिगर में देख रहे हो, तो लेड शीथ के ऊपर लगा हुआ है। अब देखिए अब यह किस चीज़ का बना होगा, तो बेसिकली जो बेडिंग होगी वह बनी होती है हमारी फाइबर मटेरियल की, जैसे जूट हो गया, ठीक, जूट, उसके बाद एक टेप, इसको टेप बोल सकते हैं, टेप जो होता है हैसियन टेप बोलते हैं उसको, तो बेसिकली आप जब भी ऑप्शन में पाओगे तो टेप पाओगे, ठीक है। तो चाहे जूट का बना होगा या फिर हैसियन टेप का बना होगा, ठीक है। और यह दोनों मटेरियल जो होते हैं ये कैसे मटेरियल होते हैं, फाइबर मटेरियल होते हैं, तो बेसिकली बेडिंग जो होगा वह बना होगा फाइबर मटेरियल का,
उसमें क्या होगा, जूट होगा या फिर टेप होगा। क्लियर। अब देखिए यह होगा या क्यों लगाया गया, हम बेडिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेडिंग हमें प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजरी से, कि जैसे लेड को ऊपर कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, जो लेड सीथ है हमारी, लेड सीथ के ऊपर कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं बेडिंग का। अगर देखो लेड के ऊपर कोई मैकेनिकल इंजरी होगी तो लेड के मैकेनिकल इंजरी के कारण इंसुलेशन के ऊपर मतलब कि चोट लगेगी, जब इंसुलेशन आपकी चोट लगेगी तो इंसुलेशन ख़राब हो सकता है, जिससे कंडक्टर क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो बेडिंग का काम क्या है, मैकेनिकल इंजरी से किसको बचाता है, लेड सीथ को, सीथ को जो होगा मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। ठीक है, अब मैकेनिकल इंजरी आएगी कहाँ की, कहाँ से इसके पास, ये भी सोचने की बात है कि मैकेनिकल इंजरी आएगी कहाँ से इसके पास। तो मैकेनिकल इंजरी जो होगी वह आर्मरिंग के कारण इसके ऊपर आएगी, और जब आर्मरिंग के कारण इसके ऊपर कोई मैकेनिकल इंजरी आएगी तो उससे प्रोटेक्शन देगा वह सीथ को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका है आर्मरिंग। आर्मरिंग का क्या काम है, आर्मरिंग, अब देखिए आर्मरिंग जो होता है वह बेडिंग के ऊपर लगाया जाता है, ये चीज़ तो आपको दिख रहा है कि आर्मरिंग जो होगा वह बेडिंग के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन आर्मरिंग भी जो है ना वह भी मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, लेकिन वह किस मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है। देखो बेडिंग भी मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है, लेकिन वह किसके कारण, वह आर्मरिंग के कारण जो मैकेनिकल आ रहा है उसके कारण वह लेड सीथ को बचा रहा है। लेकिन आर्मरिंग पे भी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन करता है, लेकिन यह जब हम केबल को लाते हैं ले जाते हैं, जैसे केबल को आप कहीं दूर से ले के आए, फिर केबल को आप मान लो ट्रक पर ले के आए या फिर ट्रॉली में ले के आए, तो वहाँ से आप उठा के नीचे फेंकते हो, नीचे फेंकने से क्या होगा कि यह आर्मरिंग जो होगा उसी से प्रोटेक्शन देगा। जब आप ऊपर से फेंक रहे हो तो गिरेगा तो धक्का लगेगा केबल पे, केबल पे जब धक्का लगेगा तो डैमेज ना हो जाए कुछ, इसके लिए यह प्रोटेक्शन देता है आर्मरिंग। मैकेनिकल इंजरीज यह भी बचाता है, लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, यानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उस टाइम पर जो मैकेनिकल इंजरी आपका उतारने में और चढ़ाने में होती है उससे प्रोटेक्शन करता है आपका आर्मरिंग। ठीक है, लेकिन बेडिंग जो आर्मरिंग मतलब कि बेडिंग जो प्रोटेक्शन देता है वह आर्मरिंग के कारण, यानी आर्मरिंग में कोई मैकेनिकल इंजरी हुई तो उससे प्रोटेक्शन देगा बेडिंग। क्लियर है, तो बेडिंग मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा किसके, आर्मरिंग से, और आर्मरिंग जो मैकेनिकल इंजरी से बचाता हुआ क्या करता है, मतलब कि आप जान जाओ कि ले जाने और ले आने यानी उतारने और चढ़ाने में जो भी मैकेनिकल इंजरी होती है उससे प्रोटेक्शन देता है कौन, आर्मरिंग देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सर्विंग। सर्विंग क्या है, ठीक है सर्विंग, अब देखिए सर्विंग जो हमारा है, अच्छा एक चीज़ और, ये आर्मरिंग बना किस चीज़ का होता है, सॉरी मैं भूल गया, आर्मरिंग किस चीज़ का बना होता है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा है। तो आर्मरिंग जो होता हुआ बना होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का, गैल्वेनाइज्ड स्टील का, गैल्वेनाइज्ड स्टील का, यह याद रखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आर्मरिंग किस चीज़ का बना होता है। तो आर्मरिंग का जो मटेरियल यूज करते हैं हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज स्टील यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सर्विंग, सर्विंग बेसिकली होल यानी जितने भी अंदर के पार्ट्स हैं सबको प्रोटेक्शन देता है, किस मतलब कि उसकी सुंदरता भी बढ़ा देता है थोड़ा सा, या क्या होता है कि मतलब दिखने में लुक इसका क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो उन सबसे क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो बस इतना आपका क्वेश्चन है, और सबसे बाहरी पोर्शन जो आपका होता है वह सर्विंग होता है। तो आपको उसका अरेंजमेंट याद हो गया, अरेंजमेंट के बाद सबका एक एक काम याद हो गया कि क्या काम किसका है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इनसे हम तैयार कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं, देखिए अब देखिए, हाउ मेनी कोर आर यूज्ड इन ए केबल फॉर ए ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज अप टू 66 kV, यानी 66 kV का अगर हमें वोल्टेज ट्रांसमिट करना हो तो हम क्या सिंगल कोर से कर सकते हैं, टू कोर से कर सकते हैं, या फिर थ्री कोर से, या ऑल ऑफ द अबव। तो 66 kV के लिए हमें यूज करते हैं थ्री कोर केबल का। 66 मतलब कि वोल्टेज को ट्रांसमिट करना हो, 66 kV मतलब ट्रांसमिट करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थ्री कोर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए विच एमंग द फॉलोइंग केबल आर जनरली सूटेड फॉर द वोल्टेज अप टू 11 kV। हमने अभी पीछे देखा था कि जो हमारा ये होगा बेल्टेड केबल,
यानी 11 केवी तक जो हमारा केबल यूज होता है वह कौन सा होता है, बेल्टेड केबल। और स्क्रीनड केबल जो होता है वह 66 केवी तक यूज होता है। एंड प्रेशर केबल जो यूज करते हैं हम अबव 66 केवी करते हैं, अबव 66 केवी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, अब देखिए द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय द केबल। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि चार्जिंग करंट अब हमें पता है किसके कारण आती है, कैपेसिटर के कारण आती है। जब कैपेसिटर होगा तभी चार्जिंग करंट आएगी। तो चार्जिंग करंट, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर बेसिकली कैपेसिटर की जो करंट होती है वो हमेशा वोल्टेज से क्या करती है, लीड करती है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये चीज़ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर में वोल्टेज होता है उसमें और जो करंट फ्लो होती है वह करंट आपकी क्या करती है, लीड करती है 90 डिग्री वोल्टेज से। तो इसका जो आंसर होगा, लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो जो आंसर इसका होगा, उसका आंसर होगा लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, क्योंकि पूछा क्या है, द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय द केबल, ठीक है। तो नॉर्मल है, बहुत कठिन नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए द बेडिंग ऑन ए केबल कंसिस्ट ऑफ। अब बेडिंग किस चीज़ का बनाया जाता है, ठीक है, हमने बताया था जूट, हैसियन क्लॉथ, हैसियन पेपर होगा या फिर हैसियन क्लॉथ आप कह सकते हो, ठीक है, हैसियन टेप, ठीक है, उसको क्लॉथ भी बोल दिया है। तो यह दोनों जो होगा यह क्या होगा, सही होगा, जो बेडिंग बनाया जाएगा वह हैसियन टेप का और जूट का बनाया जाएगा। तो इसका दोनों सही है। उसके बाद सेकेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन ए केबल इज यूजुअली। तो आर्मरिंग के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये भी हमने बताया था, गैल्वेनाइज स्टील वायर या फिर स्टील टेप, ठीक है, स्टील टेप नहीं बताया लेकिन आप याद रखो कि स्टील टेप होगा या फिर गैल्वेनाइज स्टील वायर होगा। तो ये आंसर जो होगा इसका एनी ऑफ द एबव, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इन ए केबल इमिडिएटली एबव मेटैलिक शीथ इज प्रोवाइडेड। अब देखो इमीडिएटली एकदम पूछ रहा है कि मेटैलिक शीथ के ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाता है, देखो क्वेश्चन आ गया ना, तो मेटैलिक शीथ के ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाता है, बेडिंग, और बेडिंग के ऊपर क्या होता है, आर्मरिंग, और आर्मरिंग के ऊपर क्या होता है, सर्विंग। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, अरेंजमेंट जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अरेंजमेंट से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो जो मेटैलिक शीथ के ऊपर क्या होगा, बेडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश केबल आर यूज फॉर 132 केवी लाइंस, यानी 132 केवी लाइंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सी केबल यूज करते हैं। तो हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन, या फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ये हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए हाई टेंशन केबल जो होता है यह 11 केवी के लिए होता है, और लो टेंशन केबल जो होता है बस 1 किलो वोल्ट के लिए होता है, या फिर 1000 वोल्ट के लिए होता है, 1000 वोल्ट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एम्पायर टेप इजे। अब एम्पायर टेप क्या है, एक वर्निश्ड कैम्ब्रिक है, वर्निश्ड कैम्ब्रिक, जो कि एक एम्पायर टेप, जो कि एक इंसुलेशन है, जो क्या है, एक इंसुलेशन है, इंसुलेशन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपका, हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज्ड अप टू, हाई टेंशन केबल यह भी नॉर्मल है, 11 केवी तक यूज होता है, ठीक, ये चीज़ हमें पता ही है, सब देखने हम शुरू में ही बता दिए हैं, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए केबल द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज एट। तो ऑपरेटिंग कंडीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ के ऊपर होता है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है वह कंडक्टर के ऊपर होता है, कंडक्टर के सरफेस पर होता है, ठीक है। और मिनिमम स्ट्रेस जो होता है वह किस पर होता है, शीथ पर होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन ए केबल मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन किस पर होगा, कंडक्टर सरफेस पर होगा, कंडक्टर के ऊपर होगा। लेकिन अगर मिनिमम, मतलब यहीं पे मिनिमम स्ट्रेस पूछ देता तो वह क्या होगा, आपका शीथ होगा, क्लियर है। यह क्वेश्चन एकदम तैयार कर लीजिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए केबल इन ए डीसी इज मोर देन दैट इन एसी मेनली ड्यू टू। अब देखिए करंट कैरिंग कैपेसिटी जो केबल की होती है इन ए डीसी इज मोर देन दैट इन एसी मेनली ड्यू टू, क्यों डीसी में करंट कैरिंग कैपेसिटी अधिक होती है केबल की कंपेयर टू एसी, क्वेश्चन ये है। तो इसका जो आंसर होगा होगा स्मॉलर डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होगा वह कम होता है डीसी में, और एसी में जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है वह क्या होता है, अधिक होता है, क्लियर है। तो इतने क्वेश्चन थे, तो आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा,
अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।